Sri Rajmani Patel ji. Maniya Sabhapati Mahoday, ये उपभोक्ता संरक्षण विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है. कहीं न कहीं प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है और जो उत्पादक है वो भी उपभोक्ता है, लेकिन सबसे अधिक ग्रामीण, गरीब, किसान, विद्यार्थी इसके शिकार हो रहे हैं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यसभा के प्रश्न में के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि वर्तमान स्थिति में 50,89,368 मामले दायर किए गए थे, जिनमें 46,34,000 मामलों का निराकरण किया गया है. लेकिन यह भी वास्तविकता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि अज्ञानता के कारण, जानकारी होने के कारण लाखों लाख की तादाद में ऐसे किसान, ऐसे गरीब हैं जो शोषण के शिकार हुए हैं, लेकिन उसकी जानकारी फोरम के पास नहीं आ पाई है, इसलिए आंकड़ों की जानकारी नहीं मिल पाई है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एमआरपी के माध्यम से भी जिस तरह से 10 रुपये की अगर कोई चीज़ है तो उसके कीमत 20 रुपये वसूल की जाती है, उसमें कोई नियंत्रण नहीं होता. करीब 5 रुपये की चीज़ कम से कम माने दूने दाम में तो बेची ही जाती है. इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, किसान जो एक उपभोक्ता भी है और वो उत्पादक भी है, सबसे अधिक वो ठगी का शिकार होता है. किसान ही एक ऐसा वर्ग है माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो उत्पादक के हैसियत से भी ठगा जाता है. एक छोटी सी छोटी चीज़ का निर्माण होता है, उसके कीमत निर्धारित तो मालिक करता है कि इसमें कितनी हमारी लागत हुई है, कितना खर्च आया है, उसके बाद उसके कीमत को निर्धारित की जाती है. लेकिन किसान ही एक ऐसा बेवस वर्ग है माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि जो अपने फसल के कीमत निर्धारित नहीं कर पाता है, और जब उपभोक्ता ही के रूप में लूट लिया जाता है, उत्पादक के रूप में लूटा जाता है, तो उपभोक्ता ही नहीं बन पाता है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उसी तरह से किसान के उत्पादन का कीमत भी निर्धारित होनी चाहिए, जिसमें लागत मूल्य के आधार पर उसकी कीमत तय हो, ताकि किसान को भी उसका लाभ मिल सके और उससे बच सके. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 सुझाव देना चाहता हूँ. माननीय मंत्री महोदय ने काफ़ी अच्छा बिल लाया है और काफ़ी उन्होंने प्रयास किया है उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक मूल्य नियंत्रण की कोई व्यवस्था होनी चाहिए, जो हर चीज़ की लागत के आधार पर उसका मूल्य निर्धारण करे कि इससे अधिक कीमत किसी भी हालत में वसूल नहीं की जाएगी. दूसरा, जो प्रदेश का अधिकार है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कहती सबका विश्वास, सबके विश्वास के तरह अगर नियत अच्छी नहीं होगी, विश्वास नहीं किया जाएगा, शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं किया जाएगा, तो भी हम अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँच पाएंगे. इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो राज्य और जिले स्तर की समितियां हैं उसका अधिकार राज्य सरकारों को मिलना चाहिए, और जो जिला स्तर की व्यवस्था है, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसे और ब्लॉक स्तर तक बनाया जाए, तो उसमें सस्ता न्याय मिलने से उपभोक्ताओं का संरक्षण होने में सुविधा होगी, इसे ब्लॉक स्तर तक किया जाए. और जो सामाजिक संस्थाएं हैं, सबसे बड़ी आवश्यकता है उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, और जागरूकता का काम सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक कार्यकर्ता कर सकते हैं. मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि इस तरह से सामाजिक संस्थाओं और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाए, सारी उनको जानकारी रहे, ताकि उसके आधार पर वो गाँव में गरीबों को, किसानों के, गांव के लोगों में जागरूकता पैदा कर सके, और उनको जहां सहायता की ज़रूरत है वो उस स्थान तक ले जा सके, उनकी सहायता कर सके, मदद कर सके, तो इससे जल्दी उनको न्याय मिलेगा. और इसी तरह से माननीय उपसभापति महोदय, इसके लिए भी कोई प्रावधान मंत्री जी को करना चाहिए कि जो राजनैतिक पार्टियों के द्वारा और राजनैतिक नेताओं के द्वारा भी बड़े बड़े विज्ञापन दे करके, बड़े बड़े प्रलोभन दे करके और बड़े बड़े सुनहरे भविष्य का सपना दिखा करके जो जनता के विश्वास को ठगते हैं,
और उसके बाद जनता को निराशा लगती है। इसके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि गरीबों का विश्वास ठगा न जाए, उनके विश्वास को लूटा न जाए, इस दिशा में व्यवस्था करें। और माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से जो आदत बन गई है कि जो आंकड़ों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जाता है कि जो कुछ सरकार कह रही है, जो सरकार कर रही है, जो नियम सरकार बना रही है वही फाइनल है, उसमें किसी तरह की कमी नहीं हो सकती है। इस भावना से ऊपर उठ करके जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है, जो अच्छे सुझाव दिए हैं, उन पर सरकार अमल करे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इस बात के साथ में माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव गरीब का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है। तुम किसी के जाम सोने के, किसी के मेज कुर्सी के, मगर जुम्मन के घर में आज। माननीय मंत्री जी का जवाब जरा जी। नहीं, अभी बहुत सारे स्पीकर हैं जी। हाँ जी, माननीय मंत्री जी का जवाब। नहीं, माननीय मंत्री जी, नहीं, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी का जवाब, माननीय मंत्री जी का जवाब। माननीय जया जी, नॉट येल्डिंग। तीन नाम और आए हैं जो माननीय, अगर मैं आपको मौका देता हूं तो बाकी पहले के दो लोगों को देना पड़ेगा। आई एम सेइंग वन सेकेंड, गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। इन दिस हाउस सबने कहा सेलिब्रिटीज रॉन्ग एंडोर्समेंट करते हैं, उन गुमराह करते हैं पब्लिक को, ये गलत धारणा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सेलिब्रिटीज जब कोई चीज एंडोर्स करते हैं उसको देख के समझ के करते हैं, परंतु बहुत से लोग और बहुत से मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो स्पूरियस गुड्स को, अच्छे गुड्स को कॉपी करके स्पूरियसली इसको मार्केट में बेचते, जिसकी वजह से सेलिब्रिटीज के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है थ्रू लॉ, थ्रू लॉयर्स, और सेलिब्रिटीज को अननेसेसरी हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद, क्लियरिंग दैट पॉइंट। धन्यवाद, संजय मंत्री जी।